अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार कुकिंग। तो आज मैं बना रही हूँ कुनाफा। तो इसके लिए मैंने 4 चम्मच बटर लिया है, मक्खन। अभी इसे हम मेल्ट कर लेंगे, मैं कम गैस पे इसे मेल्ट करूँगी। और ये ली है मैंने सेवई, तो ये 2 पैकेट मैंने सेवई ली है और एकदम बारीक वाली सेवई है, रोस्टेड सेवई जिसको बोलते हैं। ये इजीली आपको किसी भी दुकान पे, किराना शॉप पे मिल जाएगा। तो देखिए ये रोस्टेड सेवइयाँ हैं। तो अभी मैं इन्हें पैकेट से निकाल लूँगी और एक बाउल में ले लेंगे और इसे अच्छे से निकाल, ये करके दबा कर पैकेट को इस तरीके से तोड़ ले इसे पैकेट में ही, तो कुछ टुकड़े पैकेट में ही हो जाएंगे इसके। और बस अब इसे हम दोनों पैकेट निकाल लेंगे और इसे हाथों से अच्छे से मसल मसल के एकदम बारीक इसको ये करना है, हमें भुक्का कर देना है इसे। ये देखिए इस पैकेट को भी मैं इसी तरीके से निकाल रही हूँ, ठीक है। अब इसको हाथों की मदद से ही हमें तोड़ना है, तो अभी अच्छे से मैं इसे तोड़ रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, इसे आप लोग भी इसे ये कीजिए। अब बहुत ज़्यादा इसके लंबी सेवइयाँ नहीं रखनी है हमें, सेवइयों के बारीक पीस बन जाए। तो ये कुनाफा इससे पहले भी मैंने बनाया था घर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था और बहुत टेस्टी भी बना था। तो मैं अभी कुछ अलग बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। जो कुनाफा बनाते हैं उसे पैन में बनाया जाता है अक्सर, तो पैन में मैंने बनाया था, वो भी बहुत ही टेस्टी बना था। वही है ये, उसका टेस्ट पूरा वही है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। बस इसका मैंने ट्रिक बदल दिया है, किस ट्रिक से मैं बना रही हूँ आज वो मैं आपको दिखाऊंगी। और विदाउट ओवन बना रहे हैं हम, तो विदाउट ओवन बन रहा है ये। अब मैं इसके अंदर बटर मेरा मेल्ट हो चुका है और मैंने उसे साइड में गैस के, कम गैस के ऊपर रख दिया था मेल्ट करने के लिए, तो बटर मेरा मेल्ट हो चुका है। अभी मैं इसको निकाल लूँगी और ये देखिए बस इसके अंदर मैं अभी करीब 2 से 2.5 चम्मच मैंने ऐड किया है। अगर मुझे लगेगा तो मैं और लूँगी। अगर आपके पास बटर नहीं है, आप बटर नहीं डालना चाहते, तो आप देसी घी का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हो। बस अच्छी तरीके से इसे ऐसे एक इसका बैंड हो जाए ये पूरी तरीके से, जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वैसे। और ये मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध बोलते हैं, 250 ml जिसको बोला जाता है वो है ये। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब शक्कर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और साथ ही में मैं इसमें ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर। तो ये 1 चम्मच अभी मैंने डाला है, टोटल हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे। तो 1 चम्मच तो मैंने डाल दिया इसके अंदर, अभी 1 चम्मच मैं और डालूँगी और बस इसे अच्छे से मिलाते जाए ताकि कॉर्नफ्लोर का जो लम्स है और शुगर है अच्छे से ये मिक्स हो जाए आपस में। और इसे मैं मिक्स कर गैस पर रख दूँगी। ये देखिए आप लोग मिक्स हो गए हैं, अब ये गैस मैंने ऑन कर दिया, इसे गैस पर रख कर चलाते रहे अच्छी तरह के से एक ही डायरेक्शन में आप घुमा कर इसे पकाए ताकि ये थिक हो जाए, कॉर्नफ्लोर पक जाए। देखिए ये थिक हो चुका है अच्छे से, बस ऐसे ही इसे पकाना है और ऐसे ही हमको इसकी थिकनेस चाहिए ऐसे ही। बस अब इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, तो मैंने लिया है 1 चीज़ स्लाइस लिया है। आपके पास कोई भी चीज़ स्लाइस हो, ये अमूल चीज़ स्लाइस है, आप किसी भी ब्रांड का चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो ये 1 स्लाइस मैंने लिया, मेरे पास ये था, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते। इस तरीके से इसे टुकड़े करके इसके अंदर डाल दें और इसे भी अच्छे से मिलाए ताकि चीज़ जो है वो इसके अंदर मेल्ट हो जाए। हम देखिए चीज़ जब तक मेल्ट नहीं होगा मैं इसी तरह इसे चलाते रहूँगी। और ये अमूल फ्रेश क्रीम लिया है, आप घर की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसके अंदर, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अमूल क्रीम ही ले। और देखिए ये 1/2 कप के करीब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, मैं अंदाजे ही डाल रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कप के मेजरमेंट से भी यूज़ कर सकते हो। तो 1/2 कप के करीब मैंने इसमें क्रीम लिया है। बस क्रीम डालने के बाद इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी मैं। देखिए थोड़ा इसे मिक्स कर लेंगे पहले अच्छी तरीके से, और बस अब ये रेडी है। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स करके अब गैस की फ्लेम में बंद करूँगी और अब इसे हम साइड पे रख देंगे। और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ एसेंस, वेनिला एसेंस डाल देंगे। देखिए मैंने लिया है 1/4 चम्मच के करीब,
और इसे भी अच्छे से मिक्स करना है। गैस की फ्लेम ऑफ है, ध्यान रखिए। बस इसी तरीके से ये ठंडा होने के बाद और ठीक हो जाएगा। अब मैं चाशनी की तैयारी करूँगी। तो ये रेडी है, ये देखिए। अब मैं चाशनी के लिए मैंने पतीला रख दिया, इसमें मैंने एक ग्लास के करीब पानी डाला है। ये मेरे घर का जो ग्लास, रेगुलर ग्लास जो होता है वो है। अब इस प्याली से एक प्याली में शुगर ले लूँगी शुगर सिरप बनाने के लिए। तो देखिए ये मेरे पास प्याली है, इसके अंदर मैंने शुगर ऐड डाल दिया है। अब इसे मैं पानी में ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसे पकाना है ताकि शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए। हमें इसको एक तार की चाशनी नहीं बनाना है, बस शुगर मेल्ट होने तक ही इसका शुगर सिरप जो बोलते हैं वो हमें इस तैयार करना है। और इसमें कुछ बूंदे नींबू के रस की मैं ऐड करूँगी। ये देखिए कुछ बूंदे नींबू के रस मैंने ऐड किया है, तो एक चौथाई के चम्मच आप समझ लें। और इसे भी अच्छी तरीके से चला के मिक्स कर ले। ये देखिए ये रेडी है। बस इसी तरीके का चाहिए मुझे, ज़्यादा कुछ, एक दो तार की चाशनी नहीं। और मैं आपको दिखा रही हूँ, इस पैन के अंदर पहले भी मैंने वो बनाया था कुनाफा, लेकिन अभी इसमें नहीं बनेगा। अभी बन रहा है ये, देखिए ये केक मोल्ड जो होते हैं ना, उसमें मैं बना रही हूँ। तो कुछ अलग मैंने ट्राई किया। अभी मैं इसके अंदर मक्खन लगा दूँगी, ब्रेड लगा, बटर लगा दूँगी। देखिए तो 6 मोल्ड के अंदर मैंने बटर लगाना है अच्छी से। ये देखिए ये रेडी है, मैंने इसमें बटर लगा लिया है। अभी मैं सेवैयाँ लूँगी। ये देखिए, अब इसे सेवैयों को हमें अभी इसके नीचे रख देना है और अपनी फिंगर की मदद से, अंगूठे की मदद से अच्छे से इसे प्रेस कर कर आप ना अंदर की तरफ दबाते जाए ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए अंदर। देखिए कितने अच्छे से मैंने इसको दबाया है। आप चाहो तो कोई प्याली या कुछ भी, आपके पास कोई बर्तन हो ऐसा, तो उससे आप प्रेस कर सकते हो, लेकिन मैं हाथ के ही मदद से इसे अच्छे से प्रेस कर रही हूँ। ये देखिए ये जैसे मैंने किया है, बस इसी तरीके से आप भी कीजिए। ये देखिए अच्छे से दबाकर अब मैं सब रेडी कर लूँगी। ये देखिए मैंने सब रेडी कर लिए है। अब मैं इसमें डालूँगी क्रीम जो हमने बनाकर रेडी की थी। तो ये ठंडी हो चुकी है पूरी तरीके से। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से, जितना आपका मोल्ड है वो हिसाब से आप कुनाफा ऐड करें। तो मैं अभी सिर्फ 1 चम्मच के करीब ही इसमें डालूँगी क्रीम। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर क्रीम डाल दिया है। ऐसे ही करके मैं सभी में 1-1 चम्मच के करीब मैंने क्रीम डाल दिया है इसमें। ये देखिए, अगर क्रीम बच जाए तो टेंशन ना ले, आप इसको फ्रिज में रख कर यूज़ कर सकते हो। अगर आप 2-3 दिन के बाद और कुनाफा बना रहे हो तो इसी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फ्रिज में ख़राब नहीं होगी। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने इसको सेट किया है। देखिए रेडी है। मुझे जहाँ जहाँ कम लग रहा है मैं वहाँ थोड़ा क्रीम और ऐड कर रही हूँ। जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ कम है वहाँ कम है, तो मैं ऐड करती जा रही हूँ। बस अब इसके ऊपर मैं फिर से सेवैयों की लेयर रख दूँगी। पूरी अच्छे से मैंने इनको कवर किया है, कवर तो नहीं किया, मतलब अब कवर कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, बस ऐसे ही, और हल्के हल्के हाथों से इसे दबाते जाए साइड से उंगलियों की मदद से। ये देखिए इस तरह अंदर की तरफ इसे, जो साइड के किनारे हैं उन्हें दबाए, ताकि क्रीम जो है वो पकने के बाद बाहर ना आए। वैसे बाहर तो वो आएगी नहीं। देखिए इस तरीके से इसे, तो मैं ऐसे करके सभी रेडी कर लूँगी फटाफट से। ये देखिए, और हाथों की मदद से सिर्फ किनारे की तरफ, ऊपर से ज़्यादा प्रेस ना करें। ये देखिए सब मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैं एक, देखिए सब, और अब मैं ले रही हूँ एक पैन। तो मेरे पास डोसा पैन है, तो मैंने यहाँ तवे पे ये बड़ा वाला डोसा पैन है, जिसके ऊपर ना मेरा ये जो मोल्ड है केक का, जो मफिन्स का मोल्ड है, वो इसके ऊपर आ रहा है। इसकी साइज़ बड़ी है। आपके पास कोई बड़ा पतीला हो, बड़ा बर्तन हो, तो आप उसमें भी इसे बना सकते हो। तो इसे 10 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम के ऊपर सेक रही हूँ, नीचे से तवा रखकर, ताकि इसके नीचे गोल्डन कलर आ जाए अच्छे से। तवा गरम है, देखिए अभी मैंने तवे से निकाल लिया, ये काफ़ी गरम है। और मेरे पास एक इस तरीके की प्लेट है, ये प्लेट मैंने लिया है, और ये काफ़ी मुझे गरम लग रहा है, तो मैं कपड़े की मदद से इसे पलटूँगी। मुझे गरम लग रहा है बहुत, अभी मैं एक कपड़ा ले लेती हूँ और ये कपड़े की मदद से मैं इसे पलटूंगी। और अगर ये ज़रा इधर उधर होता है तो टेंशन बिल्कुल ना ले, आप इसे बाद में सेट कर सकते हो अच्छे से। ये देखिए अभी मैं मोल्ड,
तो ये देखिए, ये जो इधर वाली जो साइट है ये छेद है, लेकिन ये जो है वो अंदर से ना निकल नहीं रहा है, और मुझे लगता है क्रीम थोड़ी लीक हो गई। तो टेंशन ना ले, आप उसे चम्मच की मदद से बाहर निकाल के भी उसके ऊपर सेवैयाँ लगा के उसे कवर कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये कुनाफा मेरा रेडी है, कितना अच्छे लग रहा है। अभी मैं इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। इस तरीके का मेरे पास चम्मच है, अभी चम्मच की मदद से मैं एक एक पीस उठाऊँगी और इस प्लेट में रखती जाऊँगी। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, और यकीन माने ये बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत अच्छा। ट्राई ज़रूर कीजिए, और ईद पर तो स्पेशली आप इसे ट्राई कीजिएगा। ईद में आपकी ईद पे चार चांद लग जाएंगे, और मेहमान भी आपके घर के खुश हो जाएंगे कि अरे वाह, ये कुछ नया और कुछ अलग वो खाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। तो देखिए, ये मैंने इसे रेडी कर लिया है। अभी मैंने ना साइड में पिस्ता पीस के रखा था, और ये शुगर सिरप है, इसको अभी शुगर सिरप मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। चारों तरफ से आप अच्छे से इसे शुगर सिरप से ये कर दे, कोटिंग कर दे इसके ऊपर, ताकि ये सेवैयाँ जो है वो थोड़ी खाने में सॉफ्ट हो जाए, जो हल्की करारी और हल्की सॉफ्ट, तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। देखिए ये शुगर सिरप से, और इसके साइड वाले हिस्से पर भी आप सिरप लगाएं अच्छे से, ताकि वो नीचे तक सिरप लग जाए। देखिए मैं चारों तरफ से इसे लगा रही हूँ, कवर कर रही हूँ सिरप से इसे। देखिए इस तरीके से आप भी लगाए, और बस ये कुनाफा मेरा रेडी है। अब मैं इसको थोड़ा सा पिस्ते का ये कर दूँगी, पिस्ते से इसे गार्निश करेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से, और पिस्ते का बहुत ज़्यादा भुक्का ना कर दें, इसमें थोड़े दरदरे पिस्ते के पीस आप रखेंगे तो खाने में ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये लीजिए, तो ये कुनाफा मेरा तो रेडी है। और आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब और हो सके तो शेयर भी कीजिए। मैं आपको एक दूसरी प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ इसे। देखिए तो मेरे पास एक ये प्लेट है, मैंने इसे इसमें रख दिया, और अब मैं आपको इसे चम्मच से तोड़ के दिखाऊंगी कि अंदर कितना क्रीमी और कितना अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रंची, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये सऊदी डिश है, सऊदी में इस तरीके का जो स्वीट होता है वहाँ पर ये बनता है। देखिए अब मैं इसे थोड़ा पिस्ता और इस पर लगा देंगे, और मैं अभी आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा अंदर से एकदम क्रीमी और एकदम सॉफ्ट रहता है। ये देखिए क्रीम देख रहे होंगे आप अंदर की तरफ, देखिए ये अंदर की तरफ पूरा क्रीम है, और ये खाने में एकदम मुंह में जाके घुल जाने वाला है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी। तो देखिए ये क्रीम, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप लोग भी।